तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हेलो अध्यापक चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं सोशल स्टडीज SST की, सोशल साइंस क्लास 6 चैप्टर 4। इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और 50 MCQs जो कि आपके चैप्टर से बनाए गए हैं। चैप्टर का नाम है टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो बिना किसी देर के आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु स्टडीज द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। कौन है जो फिजिकल फीचर्स को स्टडी करता है? पैलेंटियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट या फिर आर्कियोलॉजिस्ट? द करेक्ट आंसर इज जियोलॉजिस्ट। सेकंड है, पैलेंटियोलॉजिस्ट स्टडी, वो क्या किस चीज़ की स्टडी करते हैं? एंशियंट प्लांट्स एंड एनिमल फॉसिल्स, ह्यूमन कल्चर्स एंड सोसाइटी, द फिजिकल फीचर अर्थ फीचर्स और एंशियंट इंस्क्रिप्शन। तो पैलेंटियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? जो पुराने प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। थर्ड इज, हु स्टडीज ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर। ह्यूमन सोसाइटी और कल्चर की स्टडी कौन करता है? आर्कियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट या पैलेंटियोलॉजिस्ट? तो करेक्ट आंसर है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल टू स्टडी द पास्ट। इनमें से क्या है जो पास्ट को स्टडी करने के लिए एक टूल नहीं है? फॉसिल्स, फॉसिल्स क्या होते हैं? जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनके जो रिमेनिंग्स होते हैं जो हमें मिलते हैं वो फॉसिल्स कहलाते हैं। आईडी कार्ड्स, पेंटिंग्स या रिवर्स? द करेक्ट आंसर इज आईडी कार्ड्स। फिफ्थ इज, व्हाट डज सीई स्टैंड फॉर इन द मॉडर्न कैलेंडर सिस्टम। मॉडर्न कैलेंडर सिस्टम में सीई का मतलब क्या है? क्राइस्ट एरिया, कॉमन एरिया, करंट एरिया, सेंचुरी एरा, एरा एरा। सो दिस इज कॉमन एरा। सिक्स्थ इज, व्हाट इज द पीरियड बिफोर सीई कॉल्ड। क्राइस्ट एरा से या कॉमन एरा से पहले जो था उसको हम क्या कहते हैं? एडी, बीसी, BCE या सेंचुरी BCE? तो इट इज कॉल्ड एज बिफोर कॉमन एरा, BCE। सेवन्थ इज, हाउ मेनी ईयर्स अगो वॉज गौतम बुद्ध बॉर्न इफ द करंट ईयर इज 2024 CE। अगर ये जो साल है 2024 है तो गौतम बुद्ध कितने साल पहले पैदा हुए? 2583 ईयर्स अगो, 3000 ईयर्स अगो, 2500 ईयर्स अगो और 2900 ईयर्स अगो? सो मोस्ट प्रोबेबली द करेक्ट आंसर इज 2500 ईयर्स अगो। व्हाट इज अ टाइम लाइन यूज फॉर? टाइम लाइन किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? मेजरिंग द साइज ऑफ द अर्थ, शोइंग अ सीक्वेंस ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स, काउंटिंग सेंचुरीज या रिकॉर्डिंग फ्यूचर इवेंट्स। तो टाइम लाइन किसके लिए इस्तेमाल होती है? उन डेट्स और इवेंट्स के बारे में जानने के लिए जो हो चुकी है ना, सीक्वेंस ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स। नाइन्थ इज, विच टर्म रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। 100 ईयर्स को क्या बोलेंगे? डिकेड, सेंचुरी, मिलेनियम या एपॉक? तो हम इसको बोलेंगे सेंचुरी। टेंथ इज, व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो अभी चल रहा है, जिसको आप अभी देखते हो, छुट्टियां आने वाली हैं आपकी, हॉलीडेज आने वाले हैं, तो आप जिस कैलेंडर को देखते हो वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, द बर्थ ऑफ बुद्धा, द आइस एज या डिस्कवरी ऑफ फायर? सो द करेक्ट आंसर इज द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। 11th क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सोसाइटीज रिलाइड ऑन सन एंड मून फॉर कैलेंडर्स। इनमें से कौन सी सोसाइटी जो है वो सन और मून दोनों पे डिपेंडेंट है कैलेंडर्स में? चाइनीज, इंडियन, मुस्लिम और जुविश। तो जो दोनों सन एंड मून का इस्तेमाल करते थे कैलेंडर्स के लिए, दे आर एक्चुअली चाइनीज। 12th इज, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट का मेन फंक्शन क्या है? स्टडी एंशियंट ह्यूमन फॉसिल्स, स्टडी एंशियंट रिमेन्स लाइक टूल्स एंड पॉट्स, स्टडी प्रेजेंट डे सोसाइटी या स्टडी अर्थ्स, रॉक एंड सॉइल्स? तो द करेक्ट आंसर इज स्टडी एंशियंट ह्यूमन फॉसिल्स। 13th इज, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ BCE डेट। बिफोर कॉमन एरा की डेट कौन सी है? 1947 कॉमन एरा, 560 बिफोर कॉमन एरा, 3000 AD या 1 CE? सो दिस इज 560 BCE इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट डेट। 14th इज, विच ऑफ दीज सोर्सेज कैन प्रोवाइड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। इनमें से क्या हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन हमें दे सकता है? वेदर रिपोर्ट्स, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, रेसिपीज या शॉपिंग लिस्ट? द करेक्ट आंसर इज आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। 15th, अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स इज कॉल्ड। क्या बोलेंगे हम उसको? डिकेड, सेंचुरी, मिलेनियम, एरा? इट इज एक्चुअली कॉल्ड मिलेनियम। 16th क्वेश्चन इज, हु स्टडीज एंशियंट ह्यूमन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। जियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एपिग्राफिस्ट या साइंटिस्ट? करेक्ट आंसर इज एपिग्राफिस्ट। एपिग्राफिस्ट कौन होते हैं? ये स्पेशलिस्ट होते हैं
जो इंस्क्रिप्शंस और या एपिग्राफी को पढ़ते हैं। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? जब हम दीवारों पे खोद खोद कर अगर कुछ लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शन, या किसी मेटल पे या स्टोन पे लिखते हैं। तो 17th इज व्हाट टाइप ऑफ टूल इज यूज्ड टू मार्क अ स्किप्ड पीरियड ऑफ इन अ टाइमलाइन? डॉटेड लाइन, सॉलिड लाइन, एरोज और डेट्स? सो द करेक्ट आंसर इज डॉटेड लाइन। 18th क्वेश्चन इज विच एंशियंट स्पीशीज इज बिलीव्ड टू हैव वॉक्ड द प्लेनेट फॉर 3 लाख ईयर्स? नियनडर्थल्स, होमोसेपियंस, ऑस्ट्रालोपैथिकस, ऑस्ट्रालोपैथिकस और होमो इरेक्टस? द करेक्ट आंसर इज होमोसेपियन, जिनसे हम इंसान निकले हैं, है ना। इट इज बिलीव्ड कि आज हम जो हैं, हम होमोसेपियंस की ही औलाद है। 19th इज विच इवेंट एंडेड अराउंड 12,000 ईयर्स अगो? क्या था जो 12,000 साल पहले खत्म हो गया? रिकवरी ऑफ फायर, आइस एज, द बर्थ ऑफ जीसस, या इन्वेंशन ऑफ पॉटरी? तो 12,000 साल पहले आखिरी आइस एज जो है वो खत्म हो गई थी। 20th इज अर्ली ह्यूमन रिलाइड प्राइमरली ऑन, जो अर्ली ह्यूमन थे वो किस पे थे? एग्रीकल्चर, ट्रेड, हंटिंग एंड गैदरिंग, या मेटल टूल्स? सो द करेक्ट आंसर इज हंटिंग एंड गैदरिंग। 21 इज व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन? फैमिली ट्रीज एंड फोटोज, ओरल सोर्सेज, एक्सकेवेशंस एंड लिटरेचर, कुकिंग रेसिपी, या मॉडर्न डे आईडी कार्ड? तो बी इज द ओनली ऑप्शंस लेफ्ट। 22nd इज विच एनिमल इज मेंशनड एज हैविंग बीन डोमेस्टिकेटेड बाय अर्ली ह्यूमंस? वो कौन सा एनिमल है जिसको अर्ली ह्यूमंस ने डोमेस्टिकेट कर लिया था? एलिफेंट्स, गोट्स, टाइगर्स और लॉयन? सो द करेक्ट आंसर इज, तो डॉग के अलावा गोट्स और शीप्स को जो है उन्होंने डोमेस्टिकेट कर लिया था। 23rd इज व्हाट टूल हेल्प्ड अर्ली ह्यूमंस मेक देयर लाइव इजियर? किससे आसान होती थी? स्टोन एक्सेस एंड ब्लेड, फायर, हाउसेस एंड व्हील्स? तो इसका करेक्ट आंसर है स्टोन एक्सेस एंड ब्लेड्स, जिसकी वजह से वो आसानी से शिकार कर लेते थे। उसके बाद में फिर ऑफकोर्स फायर और व्हील्स भी आए, बट इट इज टॉकिंग अबाउट अर्ली ह्यूमंस, है ना, वेरी अर्ली ह्यूमंस। 24th इज व्हाट इज पंचांग यूज्ड फॉर इन इंडियन ट्रेडिशन? पंचांग किस लिए इस्तेमाल होता है? कैलकुलेटिंग द लेंथी लेंथ ऑफ अ सेंचुरी, लिस्टिंग डेज ऑफ मंथ एंड एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स, कुकिंग रेसिपी, या प्रेडिक्शन फैशन ट्रेंड्स? तो पंचांग इज लाइक अ कैलेंडर, सो इट इज यूज्ड फॉर लिस्टिंग डेज ऑफ द मंथ एंड एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स। 25th इज विच अर्ली इन्वेंशन हेल्प एग्रीकल्चर कम्युनिटीज स्टोर फूड? वो कौन सी इन्वेंशन थी जिसकी वजह से एग्रीकल्चर कम्युनिटी जो है वो खाना स्टोर करके रख सकती थी? वेपन्स, पॉटरी, फायर, या आयरन टूल्स? तो द करेक्ट आंसर इज पॉटरी, क्योंकि स्टोर करके रखना है, तो और किसी चीज में स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। 26th इज विच ईयर मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द 21st सेंचुरी CE? कौन सा ईयर है जिससे स्टार्ट होती है 21st सेंचुरी? 1901, 2000, 2001, या 1999? तो द करेक्ट आंसर इज 2001 से जो है 21st सेंचुरी चालू हो गई। 27th इज व्हाट डज अ टाइमलाइन हेल्प टू इलस्ट्रेट? क्या हेल्प करता है ये टाइमलाइन? पास्ट इवेंट्स इन अ सीक्वेंस, फ्यूचर प्रेडिक्शंस, जियोलॉजिकल चेंजेस, वेदर पैटर्न? सो पास्ट इवेंट्स इन अ सीक्वेंस इज द करेक्ट आंसर। 28th इज व्हाट डिड अर्ली ह्यूमन यूज टू मेक सिंपल ऑर्नामेंट्स? क्या करते थे वो, क्या यूज करते थे? गोल्ड, स्टोन एंड शेल, बीड्स, ब्रॉन्ज, या सिल्वर? तो वो पत्थर और समुद्र से मिलने वाले शेल्स जो हैं उनका इस्तेमाल करते थे। 29th इज विच स्टेज इज मार्क्ड बाय द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट? वो कौन सी स्टेट है जहाँ से एग्रीकल्चर और सेटलमेंट स्टार्ट हुआ? हंटिंग एंड गैदरिंग, आइस एज, अर्ली विलेजेस, या स्टोन एज? तो एक्चुअली इट इज अर्ली विलेजेस। जब वो एक जगह गांव बसाएंगे तो फिर उनको एग्रीकल्चर की भी जरूरत पड़ेगी और सेटलमेंट भी उनका होगा। 30th इज द मेन गोल ऑफ अर्ली ह्यूमन ग्रुप्स वॉज टू? क्या था उनका मेन गोल? बिल्ड मॉन्यूमेंट्स, फाइंड फूड एंड शेल्टर, डोमिनेट अदर ग्रुप्स, या राइट हिस्ट्री? देयर मेन गोल वॉज टू फाइंड फूड एंड शेल्टर। 31 इज विच एक्टिविटीज वॉज क्रूशल फॉर अर्ली ह्यूमन सर्वाइवल? कौन सी एक्टिविटी थी जो क्रूशल थी? राइटिंग, ट्रेडिंग, हंटिंग एनिमल्स, या बिल्डिंग हाउस? सो हंटिंग एनिमल्स वॉज मोस्ट क्रूशल, क्योंकि जीने के लिए खाना जरूरी है। 32nd इज अ साइंटिस्ट हु स्टडीज फॉसिल्स इज कॉल्ड? वो इंसान जो फॉसिल को स्टडी करेगा उसको हम क्या कहते हैं?
तो उसको हम जियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन, पैलेंटियोलॉजिस्ट या एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दैट पर्सन इज कॉल्ड एज पैलेंटियोलॉजिस्ट। 33rd इज व्हाट हेल्प अर्ली ह्यूमंस एक्सचेंज गुड्स बिटवीन विलेजेस। क्या था वो तरीका जिससे वो एक्सचेंज करते थे सामान एक गांव से दूसरे गांव? हॉर्सेस, नेटवर्क कम्युनिकेशंस, वाह नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन, रिटन लैंग्वेज या पोस्टल सर्विस। तो द आंसर इज हॉर्सेस। यू नो दीज टाइप ऑफ व्हाट ऑप्शंस एक्चुअली हेल्प के, यहाँ और कुछ तो पॉसिबल है ही नहीं, हॉर्सेस ही पॉसिबल है। तो ओके, 34th इज विच ऑब्जेक्ट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ आर्कोलॉजिकल सोर्स। इनमें से क्या नहीं है, ये वापस आई थिंक रिपीट हो गया। बोन्स, आईडी कार्ड्स, पॉटरी या टूल्स? ओ नहीं है आईडी कार्ड्स। 35th, अ सेंचुरी इज डैश। सेंचुरी किसके बराबर है? 50 ईयर्स, 10 ईयर्स, 100 ईयर्स, 1000 ईयर्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। 100 ईयर्स इज कॉल्ड सेंचुरी। 36th इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ अर्ली ह्यूमन लाइफ। इनमें से क्या जो है हिस्सा नहीं था, एग्रीकल्चर, फायर, टूल्स या रिटन रिकॉर्ड्स? तो करेक्ट आंसर इज रिटन रिकॉर्ड्स। उनके पास कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं था, ठीक है, वो बाद में दीवारों पे इंस्क्रिप्शन लिखने लग गए, बट अर्ली ह्यूमन के पास रिटन रिकॉर्ड्स नहीं था। 37th इज द ग्रेगोरियन कैलेंडर इज मोस्टली कॉमन यूज्ड इन, कहाँ इस्तेमाल होता था? इंडिया, द वेस्ट, एंशंट इजिप्ट या चाइना? वैसे तो सभी जगह इस्तेमाल होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर आजकल, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंस कहीं है तो वो वेस्ट में है, यू नो। ओके, 38th इज द अर्लीस्ट टूल्स वर लाइकली मेड ऑफ। जो अर्लीस्ट टूल थे वो किसके बने हुए थे? मेटल, वुड, स्टोन या बोन? तो मोस्ट प्रोबेबली स्टोन के बने हुए होने चाहिए वो। 39th, व्हाट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सीई, कॉमन एरा इन हिस्टोरिकल टाइमलाइंस? स्टार्ट कहाँ से हुआ, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। यू नो आप जब एक चैप्टर से 50 MCQs बनाते हो तो इट इज पॉसिबल कि एक दो MCQs जो है आपको एक जैसे दिख जाएंगे। आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, आर्कियोलॉजी किसकी स्टडी है? प्रेजेंट डे सोसाइटी, एंशंट ह्यूमन रिमेन्स एंड ऑब्जेक्ट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स या सोलर सिस्टम? सो द करेक्ट आंसर इज एंशियंट ह्यूमन रिमेन्स एंड ऑब्जेक्ट्स। 41st इज द पंचांग कैलेंडर इज एसोसिएटेड विद। पंचांग कैलेंडर किसके साथ जुड़ा हुआ है? वेदर फॉरकास्टिंग, इंडियन ट्रेडिशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन या अमेरिकन कल्चर? सो इट इज एक्चुअली इंडियन ट्रेडिशन के साथ एसोसिएटेड है। 42nd इज द मेन रीजन फॉर ह्यूमन माइग्रेशन थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो वॉज। लोग एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाते थे? ट्रेड, वॉर, क्लाइमेट चेंज या एक्सप्लोरेशन? तो ट्रेड की उनको समझ थी नहीं, वॉर उस वक्त होते नहीं थे, एक्सप्लोर घूमने फिरने के लिए तो क्या ही जाएंगे। तो क्लाइमेट चेंजेस इज मोस्ट प्रोबेबली वो इज द मेन रीजन के लोग क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। 43rd इज विच मेटल वॉज यूज बाई ह्यूमन्स आफ्टर स्टोन। स्टोन के बाद वो क्या यूज किया करते थे? गोल्ड, आयरन, ब्रॉन्ज या कॉपर? सो द करेक्ट आंसर इज कॉपर, तांबा। 44th इज फॉसिल्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे क्या करते हैं वो, शो वट एंशंट ह्यूमन्स एट, उन्होंने क्या खाया था, प्रोवाइड एविडेंस ऑफ एंशंट लाइफ फॉर्म्स, वो एक सबूत की तरह है, हेल्प बिल्ड मॉडर्न हाउसेज या शो द लोकेशन ऑफ एंशंट सिटीज। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज प्रोवाइड एविडेंस ऑफ एंशंट लाइफ फॉर्म्स। 45th है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंशियंट टूल। इनमें से कौन सा एक एंशियंट टूल है? पॉटरी, एक्सेस, वॉचेस या कंप्यूटर्स? और द करेक्ट आंसर इज एक्सेस, क्योंकि वैसे तो पॉटरी भी है मगर उससे पॉटरी से पहले ही एक्सेस आ गए थे जब वो गैदरिंग और हंटिंग किया करते थे। 46th इज विच टाइप ऑफ सोसाइटी केम फर्स्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री। कौन सा आया था, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, हंटिंग, गैदरिंग या अर्बन? सो सबसे पहले आए थे हंटिंग एंड गैदरिंग। 47th इज अर्ली ह्यूमन लाइफ वॉज शेप्ड मोस्ट बाय, किसकी वजह से जो है सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट या पॉलिटिक्स? साइंस की उनको ज़्यादा समझ थी नहीं, थी पर इतनी एडवांस नहीं थी, टेक्नोलॉजी बहुत दूर थी उनसे, पॉलिटिक्स से उनको कोई मतलब नहीं था, तो एनवायरनमेंट इज दी ओनली ऑप्शन लेफ्ट। 48th इज विच कैलेंडर इज स्टिल यूज फॉर रिलीजियस इवेंट्स इन इंडिया? ग्रेगोरियन, पंचांग, मयान या चाइनीज कैलेंडर? तो पंचांग इज यूज इन इंडिया। 49th इज व्हाट डू आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी टू अंडरस्टैंड द पास्ट। ये कई बार आ गया है कि आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, और यहाँ तो ऑप्शन भी ऐसे दे रखे हैं, ह्यूमन थॉट, फ्यूचर प्रेडिक्शन, वेदर रिपोर्ट। आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ वेदर रिपोर्ट देंगे ना। सो द करेक्ट ऑप्शन इज रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड टूल्स। 50th,
हाफ सेंचुरी द अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स वर मेनली, क्या थे वो? फार्मर्स, ट्रेडर्स, हंटर्स, गैदरर्स, बिल्डर्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज हंटर्स एंड गैदरर्स. इसके अलावा मैंने कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनाए हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं एक एक करके. सबसे पहला है, व्हाट इज ग्रेगोरियन कैलेंडर एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट. तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो एक सोलर कैलेंडर है. सोलर कैलेंडर मतलब ये सूर्य के ऊपर डिपेंडेंट है. सूर्य मतलब सूर्य के ऊपर चलता है, मतलब सूरज की वजह से कितना दिन, कितना कितने महीने, ये सब सोलर उसके ऊपर चलता है. और इसको इंट्रोड्यूस किया था पोप ग्रेगरी ने 13th ने 1582 में इसको बनाया था. इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज़ द कैलेंडर मोस्ट वाइडली यूज अराउंड द वर्ल्ड टूडे. सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल होता है. इट स्टैंडर्डाइज द लेंथ ऑफ अ ईयर एट 365.25 डेज. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, कभी मौका मिलेगा तो फिर आपको समझाऊंगा. एक्चुअली क्या होता है, आपने देखा होगा लीप ईयर में जो है 366 डेज हो जाते हैं 365 की जगह, तो वो इसी की वजह से होता है. ये देखो, ये 0.25 का मतलब है कि हर साल में 6 घंटे एक्स्ट्रा मिलते हैं. तो जैसे ये साल जाएगा तो इसमें 365 डेज और 6 घंटे, फिर अगले वाले साल में 365, 6 घंटे, फिर अगले वाले साल में 365 डेज, 6 घंटे. ऐसे करते करते जब 4 साल हो जाते हैं तो 6 6 6 घंटे करके 24 घंटे बन जाते हैं, और 24 घंटे का मतलब एक दिन हो जाता है. तो इसलिए 365 की जगह वो 366 डेज हो जाते हैं लीप ईयर में. तो ये लिखा हुआ यहाँ पे, एंड एडजस्ट फॉर लीप ईयर्स हेल्पिंग टू अलाइन विद द अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन. सेकेंड है, हाउ डू फॉसिल हेल्प पैलेंटियोलॉजिस्ट लर्न अबाउट एंशंट लाइफ. फॉसिल कैसे हेल्प करते हैं पैलेंटियोलॉजिस्ट की? तो जो फॉसिल्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं, एविडेंस किस किस के, ऑर्गेनिज्म के जो या लाखों करोड़ों साल पहले यहाँ जीवित थे. इन्हीं लोगों की वजह से हमें पता है, पैलेंटियोलॉजिस्ट की वजह से ही हमें पता है कि इस धरती पर कभी डायनासोर जैसी कोई चीज़ भी रहती थी. ठीक है, पैलेंटियोलॉजिस्ट स्टडी फॉसिल्स टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, डाइट एंड एनवायरमेंट ऑफ एंशियंट प्लांट्स एंड एनिमल्स. दे ऑल्सो हेल्प ट्रेस एवोल्यूशनरी चेंजेस एंड एनवायरमेंटल शिफ्ट ओवर टाइम. थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ जियोलॉजिस्ट इन स्टडिंग अर्थ हिस्ट्री, क्या है उनका योगदान? तो जियोलॉजिस्ट स्टडी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ इंक्लूडिंग रॉक्स, मिनरल्स एंड द प्रोसेस दैट शेप द प्लेनेट. तो वो क्या क्या अर्थ के प्रॉपर्टीज के बारे में, रॉक्स के, मिनरल्स के, उन चीज़ों के बारे में जिसकी वजह से अर्थ बनी है, उनको स्टडी करते हैं. बाय एग्जामिनिंग लेयर्स ऑफ रॉक्स एंड द फॉसिल्स दे कंटेन, जियोलॉजिस्ट कैन अंडरस्टैंड हाउ द अर्थ सर्फेस हैज चेंज ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड हाउ लाइफ हैज इवॉल्व. फोर्थ है, व्हाट इज अ टाइम लाइन एंड हाउ डज इट हेल्प इन स्टडिंग हिस्ट्री, क्या है टाइम लाइन और कैसे हेल्प करती है? अ टाइम लाइन इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन दैट शो इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. इट हेल्प्स इन स्टडिंग हिस्ट्री बाय ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स अकॉर्डिंग टू द डेट्स दे ऑकर्ड, मेकिंग इट इजियर टू अंडरस्टैंड सीक्वेंस ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड हाउ दे रिलेट टू ईच अदर. तो टाइम लाइन एक तरीका है, रिप्रेजेंटेशन है दिखाने का उन सभी इवेंट्स को जो कभी पास्ट में हुई थी उनको एक ऑर्डर में दिखाने का. जो पहले घटी है उसको पहले दिखाते हैं, जो बाद में घटी है उसको बाद में दिखाते हैं, बिकॉज दे आर यू नो ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू द डेट्स. वो डेट के हिसाब से जब वो हुई थी उसके हिसाब से उसको बताया जाता है. और इस तरह से टाइम लाइन को देखकर आसानी से समझा जा सकता है सभी हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में कि पहले कौन सी हुई फिर बाद में कौन सी हुई. फिफ्थ इज व्हाट आर द की डिफरेंस बिटवीन कॉमन एरा एंड बिफोर कॉमन एरा. तो सीई जिसका मतलब है कॉमन एरा, ये होता है उन सभी सालों के लिए जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद हुई हैं, और बीसीई का मतलब ये है ये उन सभी ईयर्स और सालों के लिए है जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले के हुआ था. दीज टर्म्स आर यूज इन मॉडर्न हिस्टोरिकल टाइमलाइंस टू अवॉइड रिलीजियस कॉनोटेशंस, वाइल सीई रिप्लेसिंग एडी एनो डोमिनी एंड बीसी रिप्लेसिंग बिफोर क्राइस्ट. तो जब हम छोटे बच्चे थे तो हम ये सीई और बीसीई नहीं पढ़ते थे, हम पढ़ते थे एडी और बीसी. एडी का मतलब होता था एनो डोमिनी और बीसी का मतलब होता था बिफोर क्राइस्ट. लेकिन अब इसको क्राइस्ट की बजाय चेंज कर दिया और अब बोलते हैं कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा. सिक्स्थ इज व्हाई इज द पंचांग कैलेंडर स्टिल सिग्निफिकेंट इन इंडियन कल्चर, क्यों है आज भी ये इंपॉर्टेंट? तो जो पंचांग कैलेंडर है वो आज भी सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि इट इज़ यूज टू डिटरमाइन रिलीजियस एंड कल्चरल इवेंट्स. कौन सा त्यौहार कब आएगा, है ना, ये सब जो चीज़ें हैं धर्म से जुड़ी हुई या कल्चर से जुड़ी हुई वो पंचांग में आती है. इट मार्क्स ऑस्पिशियस डेज, फेस्टिवल्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स सच एज लूनर फेजेस दैट प्ले वाइटल रोल इन ट्रेडिशन
ट्रेडिशनल इंडियन कस्टम्स एंड रिचुअल्स। तो हमारे देश में कौन सा त्यौहार कब आएगा, ठीक है, कौन सी जो खास दिन है वो खास दिन कब आएंगे, या कोई चंद्र ग्रहण कब आएगा, इस तरीके जो ग्रहण वगैरह है, इन सब की जानकारी पंचांग में मिलती है। सेवंथ इज हाउ डिड द इन्वेंशन ऑफ पॉटरी इम्पैक्ट अर्ली ह्यूमन लाइफ। पॉटरी आने के बाद क्या फर्क पड़ा ह्यूमन लाइफ में। द इन्वेंशन ऑफ पॉटरी अलाउड अर्ली ह्यूमंस टू स्टोर फूड एंड वाटर, राइट। अब अगर पॉटरी होगी तो उसमें सामान रखा जा सकता है, खाना रखा जा सकता है, पानी रखा जा सकता है, विच वॉज क्रूशल फॉर सेटल्ड एग्रीकल्चर लाइफ। अगर आप कहीं एक जगह रुकोगे तो आपको खाना चाहिए, और खाना अगर ज़्यादा दिन तक चाहिए तो आपको उसको स्टोर करके कहीं रखना पड़ेगा। पॉटरी ऑल्सो हेल्प प्रोटेक्ट स्टोर फूड फ्रॉम पेस्ट एंड कंटेमिनेशन, लीडिंग टू अ बेटर फूड सिक्योरिटी एंड अलाउइंग मोर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी टू डेवलप। अब पॉटरी की वजह से क्या है, जो गंदगी या आपके लोग कीड़े मकोड़ों से हम जो है खाने को बचा सकते थे, गंदा होने से बचा सकते थे, तो इससे क्या है, फूड जो है अच्छा मिलने लगा उन लोगों को, फूड की सिक्योरिटी हो गई इस तरीके से, और ज़्यादा अच्छी सोसाइटी डेवलप हो सकी। एट्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द टूल्स एंड मेथड्स यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस टू सर्वाइव। कौन कौन से तरीके थे उनके पास, एक्सेस थी, ब्लेड्स थे जिससे वो हंटिंग करते थे एनिमल्स के, और ये किसके बने हुए होते थे, स्टोन्स के। इसके अलावा वुड के कटिंग्स होते थे, और इन्हीं टूल्स से वो जो है लकड़ी को काट के और खाना बनाते थे। दे ऑल्सो डिस्कवर्ड फायर विच हेल्प देम कुक फूड, कीप वार्म, प्रोटेक्ट देम सेल्स फ्रॉम प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स कौन, शिकारी। अर्ली ह्यूमंस लिव्ड एज हंटर गैदरर्स, रिलाइंग ऑन हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फ्रूट्स एंड प्लांट्स फॉर सस्टेनेंस, जिंदगी जीने के लिए। इंसान जो है उस वक्त क्या करता था, अर्ली अर्ली मैन क्या करता था, वो फ्रूट्स और प्लांट्स को इकट्ठा करता था और एनिमल्स की हंटिंग करता था। नाइन्थ इज व्हाट कॉज्ड अर्ली ह्यूमन ग्रुप्स टू माइग्रेट अक्रॉस अर्थ, क्यों वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो मेन चीज है क्लाइमेट चेंज, सच एज एंड ऑफ द आइस एज कॉज्ड अर्ली ह्यूमन ग्रुप्स टू माइग्रेट इन सर्च ऑफ वार्मर क्लाइमेट्स। तो वही होता है, जब ज़्यादा किसी जगह अगर ज़्यादा ठंड है, या किसी जगह बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं कोल्ड डेजर्ट है, तो इन चीज़ों से बचने के लिए इंसान जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता था। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो मेन रीज़न रहा उस वक्त। इसके अलावा स्कैर्सिटी ऑफ फूड, खाने की कमी या पानी की कमी, इसकी वजह से भी एक जगह से दूसरी जगह अर्ली ह्यूमन जाया करते थे। एज ह्यूमंस लर्न टू अडेप्ट दे स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स टू ऑफ द अर्थ। फिर धीरे धीरे वो अडेप्ट होने लगे, तो वो पहाड़ों पे भी रहने लगे, वो डेजर्ट में भी रहने लगे, और आज देखो शायद ही दुनिया का ऐसा कोई हिस्सा है जहाँ पर इंसान नहीं है, राइट। सो वेलकम टू द लास्ट क्वेश्चन, हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट यूज आर्टिफैक्ट्स टू अंडरस्टैंड एंशियंट सिविलाइजेशंस। तो आर्टिफैक्ट्स मतलब पुरानी चीज़ें जो उनको मिलती थी, है ना, जमीन के नीचे दबी हुई कहीं पर, दैट दोज आर कॉल्ड आर्टिफैक्ट्स। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है दे स्टडी आर्टिफैक्ट्स लाइक पॉटरी, टूल, बिल्डिंग्स एंड इंस्क्रिप्शन टू लर्न अबाउट देयर डेली लाइव्स, टेक्नोलॉजीज एंड कल्चर्स ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन। तो वो पॉटरी को पढ़ते हैं, वो टूल्स को देखते हैं, वो बिल्डिंग्स को देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जहाँ था, वहाँ पर पूरे पूरे गांव बसे हुए हैं, वहाँ पर हर चीज़ थी, नहाने के लिए टैंक हुआ करते थे, और रहने के लिए कमरे थे, नालियाँ बनी हुई थी। तो वो सब तरीके से, किस तरीके से, मतलब आज से 5,000 साल पहले भी इस तरह से लोग रहते थे। इसके अलावा इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते थे, इंस्क्रिप्शन क्या होता है, जब खुद खुद के लिखा हुआ हो, ठीक है। तो दीज ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड क्लूज अबाउट हाउ एंशियंट पीपल लव्ड, वर्क, कम्युनिकेटेड एंड इंटरेक्टेड विद देयर एनवायरनमेंट, हेल्पिंग आर्कियोलॉजिस्ट रिकंस्ट्रक्ट पास्ट सोसाइटी। तो ये सारी चीज़ जो है ये क्लूज देती हैं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को, जिससे वो ये समझ पाते हैं कि पुराने लोग जो है वो किस तरह से रहते थे, क्या काम करते थे, एक दूसरे से बातचीत कैसे करते थे, कम्युनिकेट कैसे करते थे, और अपने आसपास के एनवायरनमेंट से कैसे इंटरेक्ट किया करते थे। इससे आर्कियोलॉजिस्ट को एक एक क्लू मिलता है कि वो फिर से बता सकें कि एक्चुअल में उस वक्त क्या हुआ होगा। तो आई होप आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि आपके टेक्स्ट बुक में गिवन नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एमसीक्यूज मिल गए होंगे। तो मेरी तरफ से अभी के लिए बस इतना ही, अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानिए, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।